मैं समीर और आप देख रहे हैं जख्मी परिंदा समीर के साथ। तो दोस्तों आज का जो किस्सा है वाकई में बहुत ज़्यादा दिलचस्प है, ज़रूर सुने। कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक भी ज़रूर करें। एक साहब की शादी होती है, शादी के कुछ समय बाद या यूं कहें कुछ सालों के बाद घर के आंगन में एक बेटा कदम रखता है। सब कुछ ठीक ठाक, मगर डॉक्टर एक ताकीद करते हैं कि अब इसके बाद में आपको कोई संतान नहीं होगी। अगर इस विचार में आप रहेंगे संतान करनी है तो आप अपनी पत्नी से भी हाथ धो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि आपकी संतान जो आने वाली है इस दुनिया में वो भी आपके ना रहे। दोनों सब्र करते हैं और अपनी उम्मीदों को जाहिर उस औलाद पर करते हैं जो कि उनके पास है। समय बढ़ता गया, दुनिया बदली, दौर बदला, यहाँ तक कि उनका परिवार बदला, बेटे की उम्र बदली, और उम्र बदलने के साथ साथ उनके सपने बदले। कुछ अरसे बाद उन साहब की बीवी का इंतकाल हो जाता है। अब दिक्कत ये थी कि परिवार को कैसे लेकर चलना है और व्यापार को कैसे लेकर चलना है, क्योंकि उनके अलावा घर के अंदर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। सोसाइटी में, रिलेशन में लोगों ने मशवरा किया कि आप शादी कर लें ताकि वो आपके बच्चे की आपकी गैर मौजूदगी में ख्याल रखें, और आप जब थके हारे घर पहुँचें तो आपका भी ख्याल रखें। मगर उन्होंने मना किया कि अपने बेटे को माँ का प्यार भी मैं ही दूंगा और बाप का प्यार भी मैं ही दूंगा, मैं नहीं चाहता कि किसी दूसरी लड़की से मैं शादी करूँ अपने ऐशो आराम के लिए और वो मेरे बच्चे को ना समझे, एक नज़र ना देखे, तो वो अच्छा नहीं रहेगा। जब मेरा बेटा इस लायक हो जाएगा उसकी शादी कर दूंगा तो ऑटोमेटिक मेरा जो परिवार है वो अपने आप लाइन पे आ जाएगा। बेटा बड़ा होता है, बेटी की शादी करते हैं। अब वो एक लंबा आराम करना चाहते थे अपनी ज़िंदगी से, अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी रोज़मर्रा की मेहनत से, रोज़मर्रा की भागदौड़ से। उन साहब ने अपने बेटे से कहा कि बेटा अब आप ऑफिस संभालो, कारोबार संभालो, परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा ले लो, मैं कुछ समय के लिए आराम करना चाहता हूँ। बेटे ने सब कुछ संभाला, उन्होंने आराम किया, मगर कभी कभी वो बीच बीच में ऑफिस चले जाया करते थे, जिससे बेटे को भी अच्छा लगता था और ऑफिस के स्टाफ को भी अच्छा लगता था, क्योंकि ऑनर जो है ऑनर ही होता है। सबसे अहम बात ये थी कि एक वक्त सुबह का टाइम था, उन्होंने अपने बेटे की भी बीवी से कहा कि बेटी अगर दही हो तो वो ला के जरूर नाश्ते में रख देना और थोड़ा सा अचार, आज बड़ा मन कर रहा है। तो बेटे की दुल्हन का जवाब था कि पिताजी ना तो दही है घर के अंदर और ना ही अचार है, ताज़ा ताज़ा आलू के पराठे बनाए वो आप खा लें, और कुछ और भी है, चिकन चंगेज़ी बनाई है, शामी कबाब बनाए वो आप खा लें, मगर दही नहीं है। वो वही नाश्ता करके अपने ऑफिस चले आते हैं। बेटा तैयार होता है, नहा धो के आकर बैठता है और देखता है कि अब जब मैं बैठा हूँ तो वहाँ दही भी है, अचार भी है, शामी कबाब और बहुत सारी चीज़ें। वो मन ही मन सोचा कि ये सब चीज़ें तो पिताजी ने भी इनसे बोला था मगर इन्होंने नहीं दिया, मैंने नहीं बोला है तब मेरे आगे रखी गई है। वो कुछ कहता नहीं है, सिर्फ ब्रेकफास्ट करता है और चला जाता है। एक दिन बेटा पिताजी से कहता है कि पिताजी आपको कोर्ट चल रहा है, मैंने आपकी शादी करा ली। जब ये अल्फाज वो अपने बेटे के मुँह से सुनते हैं तो उनके चेहरे की हाय वाय जो होती है वो फाँकता रह जाते हैं कि यार ये कह कह रहा है। वो कहते हैं कि बेटा मुझे बीवी की ज़रूरत नहीं, तो वो कहता है मैं मानता हूँ पिताजी आपको बीवी की ज़रूरत नहीं और मुझे माँ की ज़रूरत नहीं, मगर मैंने आपके लिए दही का इंतज़ाम किया और कल से मैं आपके ऑफिस में सिर्फ एक एम्प्लॉय के तौर पर नौकरी करूँगा, सैलरी आप मुझे पर मंथ के हिसाब से देंगे, अपने बीवी को लेके मैं एक किराए के मकान में रहूँगा ताकि इसको दही की अहमियत का पता लगे। तो ऐसे बेटे भी होते हैं जो परिवार को लेके चलना चाहते हैं, किस तरह से उसने अपने घर की समस्या को हल किया। तो दोस्तों सतर्क रहें, सावधान रहें और देखते रहें समीर के साथ जख्मी परिंदा।